पर विश्वास करना कठिन है, पर यह सच के ज्यादा करीब है कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान और वैज्ञानिकों से परे मनी हुई है। जैसे आसमान से कोई विद्युतीय गोला क्यों दिखाई पड़ता है, या फिर कोई 700 पाउंड का बेहद भारी पत्थर बिना किसी इंसान और जानवर की मदद से कैसे लुढ़कता चला जाता है। क्या ये हमारे लिए हमेशा कोई गुत्थी ही बनी रहेगी, या फिर हम इसे सुलझा लेंगे। फिलहाल देश देश दुनिया की कुछ ऐसी ही गुत्थियाँ जो आज भी मानव मात्र के लिए किसी रहस्य की तरह है। सूरज का कोरोना। कोरोना शब्द दरअसल लैटिन से आया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्राउन होता है और हिंदी में उसे मुकुट कहते हैं, या वह प्रकाश है जो सूर्य को घेर लेता है। वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी एक गुत्थी ही है कि यह कोरोना सूर्य की सतह से भी क्यों ज्यादा गर्म होता है। जब सूर्य की सतह की गर्मी का तापमान 5800 केल्विन होता है, तो उस समय पर कोरोना का तापमान 10 से 30 लाख केल्विन क्यों हो जाता है। यह सोचने वाली बात है जिसका जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। जीव जंतुओं का पलायन। पलायन अमूमन हर तरह के जीव जंतुओं में देखा और सुना जाता है। इसमें पक्षी, स्तनपाई, मछली और कीड़े भी शामिल हैं। आश्चर्य तो ये है कि किस प्रकार यह जीव जंतु ऐसी अद्भुत यात्राओं पर जाकर वापस लौट आते हैं और वह कभी भी रास्ता नहीं भूलते। इसे लेकर कई तरह की बातें चलती हैं, मगर वैज्ञानिक वास्तविक कारण अब तक नहीं खोज पाए हैं। जेलीफिश। झील से जेलीफिश का एकदम से गायब हो जाना तलाव के ऑयल मिल द्वीप के इस झील का नाम कभी जेलीफिश झील हुआ करता था। यह झील एक समुद्री झील है और यह सोतों और बांधों के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ लाखों की संख्या में जेलीफिश देखी जाती थीं, मगर सन 1998 से 2000 के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि इस रास्ते एक भी जेलीफिश नहीं आई और वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह आज भी नहीं खोज पाए हैं। हवा में लटकता पिलर। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव का लिपाक्ष मंदिर अपने वैभवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। जिस पर्वत पर यह मंदिर बना है, उस जगह का पहला जिक्र मिलता है रामायण में। इस मंदिर का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ का एक पत्थर का खंभा है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का खास आकर्षण होता है। इस खंभे की सबसे खास बात यह है कि यह खंभा नीचे जमीन को जरा भी नहीं छूता। इसी वजह से इसे हवा में लटकता खंभा यानी हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि इस पिलर के नीचे से अपना कपड़ा निकालने से सुख समृद्धि मिलती है। अंग्रेजों ने इस खंभे के रहस्य को जानने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब ना हो सके और अब तक भी साइंस और साइंटिस्ट इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। बर्फीय व्रत। इन्हें बर्फ का गोला और दस्त्रीय भी कहते हैं। बर्फीलीय व्रत व्रदमला प्राकृतिक संरचना है जो धीमे बहने वाले जल में और बर्फ जमा देने वाले तापमान में होता है। वैज्ञानिक इस बात को अब तक नहीं जान पाए हैं कि ऐसा किस प्रकार संभव होता है, मगर यदि लोगों की माने तो वह एडिक्रंस की वजह से पैदा होता है, जहां पतली पतली प्लेट नुमा बर्फ पैदा होती है पर धीरे धीरे वह और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इन बर्फीले पत्तों का व्यास 1 फीट से लेकर 50 फीट तक हो सकता है।